बूंदी जिले के इंद्रगढ़ पुलिस ने 3,000 रुपए के फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जिले के टॉप 10 वांछित अपराधी की सूची में शामिल था। बूंदी पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई। अधीक्षक ने जिले में वांछित टॉप 10 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में 15 नवम्बर को जिला टॉप 10 अपराधी की सूची में 3,000 रुपए का इनामी अपराधी सियाराम गुर्जर 35 वर्ष निवासी खेडली माफी 5 साल से फरार चल रहा था। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल के मार्गदर्शन में वृत्ताधिकारी लाखेरी घनश्याम वर्मा के सुपरविजन में हरीश भारती पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी इंद्रगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। ये 3,000 का श्रीमान एसपी साहब द्वारा 3,000 का इनाम घोषित कर देता था। हमारे जिले का टॉप 10 में वांछित अपराधी है, इसका नाम सियाराम सरोग मोदूराम जाति गुजर और निवासी खेड़ हिमापी का है। 2017 से ये मारपीट के मामले में वांछित था, जिसको आज हमारी पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया। सर पुलिस टीम में कौन कौन था? पुलिस टीम में विजेंद्र हेड कॉन्स्टेबल और गोजराज जी और जाफर।